हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर के। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लेडीज़ के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इवन फैमिली मेम्बर्स भी बहुत उस चीज़ को लेकर वरी होते हैं। तो मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगी और आपको कुछ बताऊंगी अपनी रेमेडीज जो मेरे एक्सपीरियंस है, जिसने मुझे हेल्प किया और जो मेरी गायने ने मुझे बताया था उनके कंसल्ट से जो मैंने किए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो आज का मेरा टॉपिक, जी हाँ, बहुत सही समझ रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस, जिससे बहुत सारी लेडीज़, क्या 95% लेडीज़ अफेक्टेड होती हैं। तो वैसे तो सबसे पहली बात मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया या जो भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी से होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें से कोई भी, किसी को भी आप एज सिकनेस या बीमारी के थ्रू तौर पे ना लें, बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। ये एक सिम्टम है जो हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में आता है, उसके हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से उसको लेकर रिएक्ट करती है, जिसमें कि ये नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस, ये दोनों चीज़ें जो है ये मोस्टली सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ ज़्यादा होती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को मैनेज करके चलो, अपना ध्यान रखो इसमें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप इस को हैंडल कर सकते हो। 100% तो आप इसको बिल्कुल ही नहीं चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये इंटरनल जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो उसके कारण होता है। तो बट हाँ, कुछ तरीके हैं जिसके कारण, जिससे आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा अपना माइंड चेंज कर सकते हो। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम की बात करूँगी, नोजिया। तो नोजिया ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ से, कोई भी खाने के आइटम, हर एक स्मेल से नहीं आती है। कुछ एक चीज़ होती है, पर्टिकुलर चीज़ें होती है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप पहले नोटिस करें कि आप कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको लेने से, खाने से या जिसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आपके घर में वो चीज़ें ना हो जिससे आपको, क्योंकि अगर वो कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम और बढ़ाता चलेगा। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि किस पर्टिकुलर फूड आइटम या किसी फ्रेग्रेंस से, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। सेकेंड थिंग, कोशिश करें जो आपको ज़्यादा अंदर से इच्छा हो कि मुझे ये खाना पसंद है या ये खा के मैं कम्फर्टेबल हूँ, वही खाएँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नौजिया के कारण कभी भी प्रेगनेंसी में मील्स अपने स्किप ना करें, थोड़ा भी खाएं लेकिन ज़रूर खाएं, खाना ज़रूर खाएं। अगर आपको, अगर ऐसा लगता है कि नहीं है, मैं ये खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मील स्किप ना करें। आप खाएं, मे भी आपको खाते ही वॉमिट हो जाए, लेकिन आप उसको वापस से खाएं। जैसे ही आपको थोड़ा वॉमिट हो जाए, थोड़ा आप रिलैक्स करें, पहले पानी पिए, थोड़ा वॉक। दूसरी बात ये, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है उसको, ऐसा नहीं है कि ये मुझे पसंद है तो मैं इसको बहुत, मतलब रेगुलर यही खाती रहूं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फूड आइटम्स हमेशा चेंज करते रहें। कभी जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स में काजू बहुत पसंद है, तो ऐसा ना करें कि काजू ही खा रहे हैं, वो नहीं करें, उसको थोड़ा सा स्किप करें, थोड़ा सा उसमें चेंज लाएं, कभी उसको रोस्ट करके खाएं, कभी नॉर्मली खा लिए, कभी थोड़ा सॉल्टेड खा लिया, थोड़ा सा मसालों वाला खा लिया, तो कुछ नहीं होता है। कोई भी, अगर जैसे नहीं कहते हैं स्पाइसी नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आप सब कुछ खाइए जो आपको अच्छा लगता हो, बट हाँ, इन कंट्रोल, उसके एक कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ मैं इसको इतनी ही मात्रा में खाऊँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खा लिया। ओवर ईटिंग नहीं करनी, आपको लाइट मील्स लेने हैं, बट जैसे आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, इवनिंग स्नैक्स लेते हो एंड डिनर लेते हो, तो आपको इसके बीच में दो और मील्स अपने इंक्लूड करने होंगे। यू हैव टू टेक मील्स इन बिटवीन एवरी 2 to 3 hours, मैक्सिमम 3 hours का गैप आपको रखना है, एंड आपको कुछ ना कुछ लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप दाल चावल रोटी सब्जी ही खाओ, बट आप स्नैक्स खा सकते हो कोई भी। आप अब सेकेंड में बात, उसके बाद में बात करूँगी मॉर्निंग में जो नौजिया आती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो वो इसलिए होता है कि जब हम रात में खाना खाते हैं तो उसके बाद सबसे लंबा इंटरवल हमारा डिनर एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच का होता है। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो वो चीज़ हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं करती है, बट फिर भी ब्रेकफास्ट तो जितना अर्ली हो आप 8 to 9 के बीच कर लें। नॉर्मली नहीं हो पाता है लेडीज़ से, बट प्लीज़ करें, अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप मॉर्निंग में उठ के आप कोशिश करो कि आप रस्क खाओ।
जो ब्रिटानिया की या अदर ब्रांड्स की आती है, या आप अगर चाहो तो ब्रेड को घर में भी टोस्ट करके उसको एज अ रस्क बना सकते हो। ज़्यादा टोस्ट करोगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएगा। वो खाइए, वो खा के आप पानी पिए, वो नोजिया को और मॉर्निंग सिकनेस या मॉर्निंग में जो वॉमिटिंग की आपको प्रॉब्लम उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो भी आपकी चॉइस ऑफ बेवरेज है, दूध हो या फिर चाय हो, आप वो लीजिए। और फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा वॉक करें, मॉर्निंग वॉक बहुत 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 बेनिफिशियल होता है प्रेगनेंसी में। शुरू के 3 मंथ्स आपको थोड़ा रेस्ट करना होता है, बट फिर भी अगर आप नॉर्मल हैं, आपके साथ कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करें। उससे आपको खुद भी बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। अच्छे सॉन्ग्स सुने, लाइट म्यूजिक सुने और वॉक करें, तो आपका ध्यान जो है वो सिकनेस से हट करके थोड़ा सा डिफरेंट और जाएगा, जो कि आपको खुद में बहुत अच्छा फील कराएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में अगर रखो तो आपको प्रेगनेंसी हैंडल करना आपके लिए थोड़ा ईजी होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको फील नहीं होगा। एंड मैंने बहुत सारी बता दी एंड मैं बार बार सेकेंड कह रही हूँ, सॉरी। तो और मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपने गायने से रेगुलर टच में रहें। उनको अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी में किसी भी छोटी सी चीज़ को भी ये सोच के ना करें कि अच्छा ये ठीक है होता है, नहीं। हाँ, अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह लें, बिल्कुल लें, बट हाँ, अगर उनकी कोई सलाह जो आपको लगे कि नहीं आप इसमें कंफर्टेबल ना हो, तो वो ना करें। खुद में भी जज करें कि आप कौन सी चीज़ कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि अब पहले की तरह समय नहीं रह गया है। आज के डेट में डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कुछ चीज़ें तो हमें खुद भी पता होती है कि हम क्या करें, क्या खाएं, कैसे खाएं, जो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेगनेंसी को कभी भी सिकनेस या इलनेस में ना काउंट करें। फ्रेश रहें, इंजॉय करें मदरहुड को। जो स्टार्टिंग फेज से होता है 9 मंथ्स का, वो रिपीट नहीं होगा आपके साथ, तो उस फेज को थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करें। खुश रहें, गाने सुने, पूजा करें, मंत्र पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता हो वो करें, बुक्स पढ़ें। अगर आप रेस्ट पीरियड में भी हैं तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा ना सोचें कि भाई मुझे तो रेस्ट करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरे टिप्स थे प्रेगनेंसी को लेके, आपको बताइएगा कैसे लगे। और हाँ, मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। ये जो आपको प्रेगनेंसी में करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे तो सबके घर में सबको पता होता है, बट फिर भी चूँकि मैं बता रही हूँ तो मैं ये भी बताऊँगी आपको। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप हैवी वेट ना उठाएँ, झटके से ना उठें, बाएँ करवट सोएँ और बाईं ओर ही हमेशा मुड़ के सो, उससे डाइजेशन प्रॉपर होता है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपरली होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। एंड उसके बाद आपको थोड़े नट्स खाएं, नट्स मतलब जैसे बादाम खाएं, बादाम बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। पपाया एंड पाइनएप्पल, ये दो चीज़ें बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल ही अवॉइड करें प्रेगनेंसी में खाना। तो ये तो थे मेरे प्रेगनेंसी को लेके कुछ टिप्स। और बाकी चलिए फिर आप लिस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज हु आर प्रेग्नेंट, एंड आप और आपका बेबी दोनों ही हेल्दी हो, और कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। चलिए मेरे टिप्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, एंड लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।